स्टूडेंट्स क्लास 9 इंग्लिश में पार्ट 1 आप पढ़ चुके थे बिहाई बुक से। पार्ट 2 पढ़ा आपने मूवमेंट से, उसके जो 11-11 चैप्टर थे। आज पढ़ेंगे पार्ट 3 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। इसकी भी 11 यूनिट्स हैं, तो यूनिट 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द यूज ऑफ GPS? आंसर, द यूज ऑफ ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम विल बी हेल्प एक्सेस एंड मैपिंग डायरेक्शंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको याद करनी है और वन वन वर्ड के हैं। क्वेश्चन अगला, व्हाट इज अ ड्रोन? What are its advantages? A drone is an unmanned small aerial vehicle that is controlled through remote from the ground. आपको बस यहीं तक का ही याद करना है, ठीक है? यहाँ तक। Only one word के लिए। फिर question number 6, which technology will be used in flying cars? Military technologies will be used in flying cars. इस which के स्थान पे आपको ये जो नाम है वो लिखना है, ठीक है? Military और technology, ठीक, will be used। आपको आधा आंसर जो है क्वेश्चन से मिल जाएगा, है ना? यहाँ से will से आपको यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 3, द फेवरेट टेक्निक पर्सन इन सोफियाज लाइफ इज। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी डेविड हसन, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन डी मार्क जुबैर। तो आंसर बी इज द राइट, डेविड हसन। नेक्स्ट है, मोर मटेरियल कैन बी एडेड, फाइंड द ऑड वन। ऑड का अर्थ होता है कि जो विषम, विषम मतलब अन्य, जो अन्य है, जो भिन्न है एक दूसरे से, अलग है, वो अपन को निकालना है। तो प्लीजर, मिजरी, हैप्पीनेस और डिलाइट, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, एक बसता है। ये मिजरी, ये क्या है, तीनों से भिन्न है, ठीक। फिर इसी प्रकार बी, नोट, डायरी, बुक, कॉपी, ये आपको छोटे छोटे वर्ड्स दिए हैं। इन वर्डों को देखिए, इसमें तीन वर्ड एक जैसे हैं और एक वर्ड जो है वो भिन्न है, ठीक। इसमें से तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड कौन सा भिन्न है? इसमें से नोट, डायरी और कॉपी एक ही है, और बुक यानी किताब, है ना? तो मतलब क्या होता है, किताब, ये अलग, ठीक। इसका सही आंसर बुक हो। फिर टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और स्कैनर। अब कंप्यूटर और मोबाइल और स्कैनर तीनों क्या है, एक ही प्रकार, एक ही टाइप के हैं, टीवी के रंग से अलग है। अगला है डिस्प्ले, एग्जिबिट, अपीयर और शो। डिस्प्ले, एग्जिबिट और शो, ये सारी चीजें किसमें होती है, कंप्यूटर में। तो और अगला अपीयर, ये अलग सा शब्द है, ये अपीयर का ऑड जो है वो ऑड वर्ड होगा, ठीक। स्कॉर्नफुल, कंटेम्प्टस, मॉकिंग और डाइवर्सिटी। तो ये तीन, स्कॉर्नफुल और मॉकिंग, तीनों एक जैसे वर्ड है, डाइवर्सिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इमिनेटिंग,
humiliating, gladdening, pleasing, gratifying. इसमें gladdening, pleasing और gratifying ये सेम इसके अर्थ होते हैं, जो अलग शब्द नहीं है, इनमें humiliating होगा, ठीक। आगे इम्पोर्टेंट आता है, इम्पोर्टेंट में यू वुड हैव कम अक्रॉस द यूज ऑफ प्रीफिक्स लाइक दिस डी आई एस और अन एम आई एस मिस आई एन एन एक्सेट्रा टू मेक अपोजिट वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कंसोलेट एंड डिस कंसोलेट, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। राइट हैंड लिखना अपोजिट मतलब उसका विरोधी शब्द, ठीक है, विरोधी शब्द, जो शब्द आपको दिए गए हैं इनके विरोधी शब्द आपको लिखने हैं, ठीक। तो पहला शब्द आता है यूएसई यूज, यूज का आएगा मिश्र एम आई एस यू आर ई, इसमें आपको मिस और ये अन और दिस ये सारे जो है प्रीफिक्स लगाने, ठीक। एग्री प्रीफिक्स नहीं आने उपसर्ग होता है जो शब्दों के आगे लगाया जाता है, ठीक है, तो एम आई एस ये लगाया है, ठीक। अच्छा उसके बाद एग्री तो आएगा डी आई एस डिस एग्री, ठीक। फिर इंगेज, इंगेज के डिस इंगेज डी आई एस फिर से इसमें ऐड किए, अंडरस्टैंड misunderstand, then fold, unfold, un, ये prefix होते हैं, spell, tip, misspell, mis, उसके बाद connect, disconnect होना, like, affect, dislike, ठीक। फिर visible, invisible, visible यानी दृश्य, invisible यानी अदृश्य, फिर predicatable, unpredicatable, तो आपको जो prefix है उपसर्ग, ठीक, जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं उनका भी अपोजिट जो है शब्द आपको लिखना है, वो अपोजिट ही कहलाता है, ठीक। फिर चलते हैं ग्रामर तरफ में, तो आई एल फिल इन द ब्लैंक्स विथ इफ और अनलेस, इफ और अनलेस उपयोग करना है। आई वॉन्ट बी एबल टू असिस्ट यू अनलेस यू गिव मी ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, बी आई विल टेक दिस जॉब इसके बाद इफ द वर्किंग आवर्स सूट मी, सी इफ ही एडवर्टाइज्ड ऑन टीवी ही विल गेट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, डी अनलेस ही it is very cold, we will not have any snow. E, the thief threatened to kill us if we didn't give him the money. F, unless you use high quality materials, you cannot build a strong house. Rearrange each set of word to form meaningful sentences, use appropriate pronunciation marks. आपको शब्द जो दिए गए हैं क्रम में उनका जुड़ा हुआ है, इन क्रमों को आपको अरेंज करना है, ठीक, अरेंज करके एक पूरा सेंटेंस तैयार करना है, तो ताकि उसका सही उच्चारण हो सके। तो इसमें अलग अलग शब्द दिए हैं, वाइस एवरी ए इज प्रोवर्ब और सेम, ठीक, आपको क्रम से जमाना, तो एवरी प्रोवर्ब इज अ वाइस सेम। फिर सी यू कैन फ्रॉम मी और दे आर, सबसे पहला क्रम आएगा फ्रॉम दे आर, यू कैन सी मी, यू कैन सी मी फ्रॉम दे आर, हैप्पी दे टू द वेयर मीट विजिटर, ठीक, आएगा दे यानी वे, we are happy to meet the visitor in impatient.
राइटिंग स्किल के लिए। राइटिंग में आपको राइटिंग जो है आपको टॉपिक देंगे, टॉपिक पे आपको राइट लिखना है, ठीक है। तो राइट द पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बी ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स गिव रीजन एंड सपोर्ट टू ऑफ द आंसर। आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो भी याद हो तो आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल आपको अच्छे से बनता है आपसे, आप पॉल्यूशन के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक के बारे में या पर्यावरण के बारे में लिख सकते हैं, तो आप उसको समझा है। और